Hello everyone, this is Shobhit Jaiswal from Global Medical Foundation Delhi, and this is an update video regarding MBBS in abroad without NEET. So aap sabko ye pata hoga ki Delhi High Court mein ek petition filed hai jisme ye kaha gaya hai ki jin students ne is saal NEET qualify nahi kiya hai unko bhi aap abroad jane ke liye allow kare. Kya rumors bhi is cheez ke bare mein phaile the? Maine pichli video mein sari cheeze address ki thi, but aaj main aapko ek update dena chahta hu ki abhi kya current status hai, क्या ये पिटीशन का कुछ डिसीजन आया है कि नहीं. 2-3 डेज अगो एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है और सारे इंडियन में जो भी कंसल्टेंसीज हैं, एजेंट्स हैं, वो ये नोटिस आके दिखा रहे हैं बच्चों को और कह रहे हैं कि अब ये अलाउ हो गया है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ नीट. तो क्या ये सच है? देखिए, ये जो नोटिस अभी सर्कुलेट हो रहा है इसकी कोई वैलिडिटी कन्फर्म नहीं है कि क्या ये ऑथेंटिक है या क्या ये फेक है, ये अभी कहीं से कन्फर्म नहीं है. सेकेंड थिंग कि अभी तक MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला है, कोई नोटिस नहीं किया है, और दिल्ली हाई कोर्ट की भी जो वेबसाइट है उसमें भी ये डिसीजन अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है. अगर कोई भी अभी आपको ये बोल रहा है कि हाँ आप अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो विदाउट नीट, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. जब तक ये चीज़ MCI की वेबसाइट पर या MCI ने ये चीज़ को नोटिस में नहीं बोल दिया है कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं विदाउट नीट क्वालिफाइंग कि आप अब्रॉड जाओ, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट में सबसे पहले कि उनकी वेबसाइट पे कोई नोटिस ऐसा नहीं आया है. सेकंड, मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट की भी वेबसाइट पे ये दिखाना चाहूँगा कि वो डिसीजन अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है. फर्स्ट, अगर आप MCI की वेबसाइट पे जाएं और ये सेक्शन है लेटेस्ट न्यूज़ जहाँ सारे नए नोटिसेज आते हैं, तो अगर आप देखेंगे उसमें जो नोटिस सबसे पहले आ रहा है वो ऑनलाइन फिलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग MBBS एडमिशन्स इंडिया के लिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ PG एप्लीकेशन फॉर PG स्टूडेंट्स. तो अभी ये नोटिस MCI की वेबसाइट पे नहीं आया है ऐसा कुछ भी कहते हुए कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो अभी क्योंकि ये डिसीजन ही पेंडिंग है, अब मैं दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं 6 नंबर पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो ये पिटीशन फाइल्ड है वो अभी भी पेंडिंग में शो कर रहा है. ये भी देख सकते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अभी ये कुछ जजमेंट पास नहीं किया है. सेकेंडली, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ये चीज़ आगे नहीं बोली है. तो जब तक ये चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाती तब तक आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं. सेकेंडली, बहुत सारे इंडिया में एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो ये मार्केट कर रहे हैं, बैनर्स लगा दिए हैं, एड्स कर रहे हैं कि आप अब्रॉड में जा सकते हो विदाउट नीट क्वालिफाइंग. सो वो चीज़ गलत है, ऐसा भी कोई डिसीजन नहीं आया है और जो नोटिस अभी सर्कुलेट भी हो रहा है उसकी ऑथेंटिकेशन कन्फर्म नहीं है. तो जब तक ऐसा कुछ ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाता बाय MCI तक तक आप एडमिशन नहीं ले सकते हो. सेकेंडली, बिकॉज कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रॉड में उनको जब तक ये बात मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से ये बात नहीं पता चलती है, नोटिस नहीं आता है कि अब हमारा जो डिसीजन था हमने रिवर्स कर लिया है और हम इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, तब तक आपको कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर भी इशू नहीं करेगा. देखो, मेरा आपको ये कहना है कि अभी आप पेशेंस रखें, कोर्ट का फाइनल डिसीजन जब आता है, MCI जब अनाउंस करता है, आप तभी कुछ आगे अपना एडमिशन के लिए सोचें. अभी आप कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले सकते. कोई भी अगर आपको कंसल्टेंसी, कोई भी एजेंट अगर आपको इंडिया में ये कह रहा है कि हाँ ऑफिशियली ये हो चुका है, तो ऐसा अभी नहीं आया कुछ फाइनल डिसीजन, आपको वेट करना होगा. थोड़ा आप पेशेंस रखें, जब भी इस चीज़ का फाइनल डिसीजन आता है हम इस चीज़ को अनाउंस करेंगे, हम आपको ऑफिशियली सब चीज़ें दिखाएंगे, कहाँ पे इसका नोटिस है, कैसे आप वो नोटिस एक्सेस कर सकते हो, नोटिस में क्या है उसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे. बट ये हम आपको तभी कर सकते हैं जब ये चीज़ का कुछ ऑफिशियल डिसीजन आता है. अगेन, मेरा ये कहना है अभी आप पेशेंस रखें, वेट करें, आपको ज़रूर कुछ दिनों में ये डिसीजन आएगा और जब भी आता है हम आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे.